हेलो, आज फिर से ब्रिलियंस इन यू चैनल में स्वागत करते हैं आपका। तो जैसे कि मैंने सीरीज स्टार्ट करी है न्यूट्रिशन पर, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन हमारा पहला पार्ट था, आज हम सेकंड पार्ट पर हैं। तो आज हमारा जो है सेकंड पार्ट, वो उस पर क्या हम बात करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज आज जो हमारा पार्ट है वो आपका खुद ब खुद मन करेगा कि हम बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। तो आज का पार्ट है व्हाट इज डाइट, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने से डरते हैं, और उसके पीछे मिथ्स क्या हैं और फैक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहला मिथ, आज हम मिथ्स की बात करते हैं और फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला मिथ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड और नॉट। तो हम सभी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे नहीं होते, बट नो, दिस इज मिथ। तो मैं साथ साथ आंसर देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं बिकॉज ये हमें एनर्जी देते हैं, ये हमारा बहुत अच्छा फ्यूल है। अगर हम इसे नहीं खाएंगे तो हमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। तो दैट्स व्हाई अपने फ्यूल को हमेशा अपनी बॉडी के अंदर लेना चाहिए। सेकेंड मिथ कि लो फैट मिल्क में कैल्शियम कम होता है और फुल क्रीम में कैल्शियम बहुत सारा होता है। तो दिस इज द सेकेंड मिथ कि आपके जो लो फैट मिल्क के अंदर पूरा कैल्शियम होता है जितना आपके फुल फैट में होता है, तो इसलिए आप लो फैट मिल्क पर जा सकते हैं। थर्ड मिथ, हनी इज अ गुड ऑप्शन देन शुगर। तो ये भी मिथ है, हनी और शुगर दोनों में ग्लूकोज उतना ही पाया जाता है, इसलिए आपका ये गलत ऑप्शन है। आपको नेचुरल फ्रूट्स पर आना चाहिए बजाय इसके कि आप हनी ऑप्शन ढूंढें या शुगर ऑप्शन ढूंढें। तो हमारे नेचुरल शुगर्स या शुगर क्या हैं, हमारे फ्रूट्स मैंगो है, बनाना है, पाइनएप्पल है, सब में नेचुरल शुगर पाया जाता है। देन हमारा फोर्थ मिथ क्या है, फोर्थ मिथ है कि हमें बहुत सारा जो है प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन बिल्कुल चाहिए, लेकिन प्रोटीन जो है वो कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए, जितना हमारा बॉडी वेट होता है उतना हमें उतने ग्राम के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। मान लिया अगर मेरा वेट 60 केजी है तो 60 ग्राम मुझे प्रोटीन चाहिए, तो वो आपको कहाँ से मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलेगा, वो आपको वेजिटेरियन डाइट से भी मिलेगा, बिकॉज जो वेजिटेरियन है वो बहुत जल्दी हमें डाइजेस्ट होता है बजाय इसके कि हम नॉन वेजिटेरियन खाएं। नॉन वेजिटेरियन टेक्स टाइम। तो अब आपको बताएं एक और मिथ, तो एक और मिथ क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म। जो लोग बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म फास्ट स्लो, तो मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, यस मेटाबॉलिज्म काम करता है, लेकिन आप ये सोचें हमारा मेटाबॉलिज्म डे एंड नाइट काम करता है दोनों, लेकिन हमें अगर हमें पतला होना है या हमें कुछ भी अपनी बॉडी से काम करना है तो हमें अपने पोर्शन साइज पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा पोर्शन साइज कितना होना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि हम बड़े बड़े पोर्शंस खाएं। तो नेक्स्ट मिथ स्नैकिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए। तो स्नैकिंग इज गुड बिकॉज स्नैकिंग से आप कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, आपके पोर्शन साइज बने रहेंगे। तो ये हमारे बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं। तो आशा करती हूँ आप सब लोग इस चीज़ को शेयर करेंगे जो हम आज सीरीज स्टार्ट की है हमने, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए, तो हम नेक्स्ट में आएंगे आपको फिर कुछ अच्छा सा बताएंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।